क्या कुछ कहेंगे सर? आज आपकी जीत हो चुकी है वाटसन के बीच से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेनुआ पकोलिया के जितने भी जनता हैं उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, ये देखा गया कि जैसे कि जिस तरह से आपका प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, इस तरह से बहुत ही कम वार्डों में ऐसा हुआ है। माना जाए कि पूरे वार्ड वाले ने आपको प्यार दिया है, तो क्या आप इनके भरोसे पे कायम रहिएगा? इन लोगों का जो भी एक तरह से मानिए ये वोट एक तरह से आप पे कर्ज है, इनके कर्ज को चुकता कीजिएगा आप? ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरी जनता की है। जो रेनुआ पकोलिया की जनता है उनकी जीत है, इनके भरोसे पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा। सर ये बताइए, जिस तरह से पकोलिया में कई सालों से विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है, आज तक विकास नहीं देखा गया है, और लोगों का मन था कि किरानी सिंह को चुनाव जिताया जाए ताकि वो समाज के हित में काम करते हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, कहने के उनके पास मतलब समाज के लिए टाइम है, तो लग रहा है कि इस बार जनता का विकास हो पाएगा आपके आने से? 20 नंबर वार्ड सिवान का एक अजूबा वार्ड बनेगा, 20 नंबर वार्ड जिला का अजूबा वार्ड बनेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि पूरे सारण में जिस तरह से आपको बहुमत से मतलब प्राप्ति हुई है, उतना बहुमत अभी तक किसी को हुआ नहीं है। ये तो जनता की प्रेम है भाई। जबकि आपके रेनुआ क्षेत्र में, रेनुआ नगर वार्ड में कई से प्रत्याशी ऑलरेडी थे, लोग जो पहले से वो लोग चुनाव मैदान में थे और चुनाव लड़े भी थे, जीते भी थे, लेकिन आपका नाम अचानक से मतलब मूवमेंट आया और आपको जनता ने अपना समर्थन दे दिया, जबकि पकोलिया से दो आदमी उठे भी थे वहाँ पे और आप रेनुआ से भी 3-4 लोग उठे थे, तो ये दोनों मतलब गांव को मिलाकर एक जो वार्ड बना हुआ है 20 नंबर वार्ड की जनता को इस बार बेहतर काम होगा। 20 नंबर वार्ड की जनता बहुत दिन से हम पुचाती थी जी वार्ड में लाने के लिए जी, या पहले पंचायत था जी, पकोलिया पंचायत था जी जी, हम पंचायत से भी लड़ना चाहते थे। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके पहले ये मेरा गाँव नगर परिषद में आ गया, उसके बाद इन लोग का मूड हो गया कि भाई हम इन्हीं को वार्ड परिषद बनेंगे। जैसे ये जो मंदिर है और मंदिर से पकोलिया के रास्ते से एक पुल बना हुआ है, वो पुल मतलब आपके आने से अब बन जाएगा, वो अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर बनेगा। अच्छा सर ये बताइए, टोटल मत आपको कितना मिला? मुझको टोटल मत 672 मिला है। 672, तो जिस तरह से आपकी यहाँ पे लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोग चाह रहे हैं, तो आगे आपकी क्या सोच रहेगी? इसके बाद क्या उपसभापति में भी आप उठने की कोशिश कीजिएगा? नहीं भैया, अभी हम वार्ड में रहेंगे, वार्ड में ही रहेगा। जब तक वार्ड का पूरा काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं वार्ड। आपने पूरा काम कहा, तो आपके वार्ड में आपको सबसे पहले कौन ऐसा काम लगता है जो कि आपको जीतने के बाद पहला काम वो कीजिएगा? सबसे पहला मेरा काम होगा पकवलिया सर, वहाँ पर नाला रोड स्ट्रीट लाइट, क्योंकि देखिए तो इस गाँव में घूमने के बाद कैसे जगह पे दिख रहा है कि तार का समस्या बहुत है। ये जो तार का समस्या है ये तो खैर इसको हटा दीजिए, जो टाउन में जो वायर है केबल है वो केबल में लगवाऊंगा यहाँ पर, यानी उसको सुरक्षित कर दीजिएगा। बिजली का काम मैं ही कराता हूँ, रेनुआ में कोई नहीं कराता है, पता कर लीजिए कहीं से भी। ठीक है, तो अब आपको जीत हो चुकी है और जीत की तो बधाई, जो भी जीतता है उसका तो खैर बधाई दिया जा रहा है आपको। जो लोग आपको जीत की बधाई दिए हैं, जो लोग आपको मत दिए हैं, आखिरी में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? उन लोगों को तो मैं अपना प्रेम देना चाहता हूँ भाई, वो लोग मुझे बहुत प्रेम दिए हैं, मैं अपने तहे दिल से उन लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। ठीक।